loudly. The person with the most flexibility in thinking and behavior has great influence. Okay. देखो first of all, इसका कुछ meaning है, right? कुछ meaning है. कुछ कर सकते हैं. Neurolinguistic programming is अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे करके मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ. ठीक है, क्या लिखा मैंने? बी लिखा है. ऐसे जो है फिर से लिखा मैंने सामने देखो, ये लिखा ऐसे. क्या लिखा? क्या लिखा? देखो पी है, सिक्स है. हर एक का अपना विजन है, हर एक की अपनी सोच है. कोई नाइन कहेगा, कोई सिक्स कहेगा, कोई पी बोलेगा, कोई बी बोलेगा, राइट? सो ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग अलग अलग पैटर्न पे एक ही चीज के लिए सोचते हैं. एंड नोबडी इज रॉन्ग. उसको बी लग रहा है, किसी को सिक्स लगेगा, किसी को नाइन लगेगा. अगर हम एक सिक्स लिखकर सामने रख देंगे इनके, तो फॉर मी इट इज सिक्स, इनके लिए नाइन हो जाएगा. एक ही चीज, राइट? तो सेम वे हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्या पार्ट होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग एंड बिहेवियर. हमारे बिहेवियर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे चेस खेलना सब लोग जानते हैं. चेस में क्वीन होता है, उसके साथ में क्वीन के साथ में उसका क्या कहते हैं उसको, वजीर भी होता है. क्या होता है? किंग होता है. किंग के साथ में कौन होता है? क्वीन. वो कितना मूव कर सकती है, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह मूव कर सकती है, होता है. बट हॉर्स क्या होता है? ढाई घड़ी चल पाता है. हाथी बिल्कुल सीधा चल पाएगा. राइट? डोंट बिकम एन एलिफेंट, डोंट बिकम अ हॉर्स, नीदर द कैमल. वो एक ऐसी साइड में जाएगा, राइट? इंक्लाइंड ही जाता है, साइड वाला मूवमेंट होता है उसका. या एक छोटा वाला जो एक छोटा सा सैनिक होता है, उसको एक ही मूव कर सकता है, सिंगल जाएगा ही नहीं ज्यादा. सो समटाइम्स आवर बिहेवियर इन आवर लाइफ इज लाइक दैट. हम तो ढाई मूवमेंट ही कर सकते हैं, हम तो सीधे ही चलते हैं, हम तो लेफ्ट ही चलते हैं, हम तो आगे नहीं बढ़ पाते. तो देयर आर माइंडसेट एंड थिंकिंग. इट स्टेटमेंट सेज कि द पर्सन विद द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, दे हैव गॉट ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस इन लाइफ, दे कैन अचीव मोर इन देयर लाइफ. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू डोंट लाइक सर्टेन काइंड ऑफ वेजिटेबल? हाउ मेनी ऑफ यू कि मुझे लौकी पसंद नहीं है, है ना? This is called a restriction in your mind कि ये मुझे नहीं खाना. अब सोचो एक जगह पर सिर्फ खाने को वही मिल जाए जो तुम्हें नहीं खाना, और कुछ मिले ही ना खाने को, तो रह ही नहीं पाओगे. तो हमें क्या है ना, अपने बिहेवियर पे काम करना है, अपने एटीट्यूड पे काम करना है. हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. नो प्रॉब्लम. अंदर से क्या बात आनी चाहिए? नो प्रॉब्लम, हो जाएगा. नो प्रॉब्लम, खा लेंगे. नो प्रॉब्लम, हो जाएगा. नो प्रॉब्लम, ये वाला जो बिहेवियर है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है बताओ, एक्सप्लेन. तो हम लोगों ने बात करी थी आप लोगों से कि आप रोज एक घंटा जोड़ोगे अपनी लाइफ में, एडिशनली जितना भी टाइम आपके पास है एक, तो इंश्योर करो आज मेरे से, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल थिंकिंग. इफ यू हैव गॉट फ्लेक्सिबिलिटी इन योर माइंड, देन प्रॉमिस मी टुडे दैट यू आर गोइंग टू ऐड 1 आवर एटलीस्ट एक्स्ट्रा इन योर लाइफ. सुबह जल्दी उठ के ही हो सकता है, राइट? आई विल नॉट रिकमेंड रात को देर तक सोके. आई विल रिकमेंड यू सुबह जल्दी उठ के, एक घंटा सुबह जल्दी उठो. जितने भी बजे आप उठ रहे हो उससे एक घंटा जल्दी उठना शुरू कर रहे हो.